यूपी चुनाव में दलित वोटर की क्या भूमिका है, ये शायद ही आपको बताने की जरूरत है। तमाम पार्टियों को इनकी या ओबीसी समाज की भूमिका की तब याद आती है जब चुनाव सर पर होते हैं। और ये भी आपको मालूम है, जब से स्वामी प्रसाद मौर्य और कुछ दूसरे दिग्गजों ने बीजेपी का दामन छोड़ा, पार्टी के सामने इस वोट बैंक को बचाए रखना एक चुनौती बन गया। इसी दौरान सोशल मीडिया पर सांसद रवि किशन ने कुछ ऐसी तस्वीरें साझा की जिसके बाद वो ट्रोल हो गए। ये तस्वीर थी, वो गरीब के घर बैठकर खाना खा रहे थे। इससे पहले कि आप इस तस्वीर के पीछे की कहानी समझिए, आपको बता दें कि इसी तस्वीर को लेकर रवि किशन ट्रोल हो रहे हैं। उन तस्वीरों को साझा करते हुए रवि किशन ने लिखा, सबका साथ सबका विकास। अब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर गई। हर कोई इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। प्रतिक्रिया मिली जुली है, लेकिन सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक भी पीछे नहीं रहे और इस तस्वीर पर उन्होंने तंज कस दिया। नवाब मलिक ने लिखा, पत्तल सलाद पूरी और भाजी दर्शाता है कि माल रसोइये का है। दलित लोटे में पानी पिए और अभिनेता कागज की गिलास में। वाह बचवा वाह, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। अभी तक रवि किशन ने नवाब मलिक के इस तंज का जवाब नहीं दिया है। वैसे यूपी की राजनीति में अभी ओबीसी समाज को खुश करने के लिए हर पार्टी कोशिशें कर रही है। रवि किशन के ट्वीट पर लगातार यूजर्स अपने कमेंट दे रहे हैं। इसी में एक यूजर ने लिखा है, सत्ता लोगों को क्या क्या करना सिखा देती है, जिनको छूना तो दूर देखना नहीं चाहते उनके घर जाकर खाना खाने पर मजबूर कर देती है। इसी तरीके के एक और सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है, बेचारे दलित के घर का पानी तक नहीं पिया, अपना गत्ते का ग्लास खुद साथ लेकर आए, वो स्टील के ग्लास में पानी पी रहा है। जाहिर है ये डिस्पोजेबल प्लेट भी आप ही लाए होंगे, वरना ऐसे डिस्पोजेबल प्लेट में घर में कौन खाना खाता है। ये सब तेरी सड़ी हुई जातिवाद और छुआछूत वाली सोच दिखाता है। आपको बता दें कि भोजपुरी सुपरस्टार और गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने अभी हाल ही में, या फिर यूं कह लें कि मकर संक्रांति के दिन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गोरखपुर मंदिर में अपना एक रैप सॉन्ग रिलीज करवाया जिसका नाम है यूपी में सबबा। रवि किशन की उपस्थिति में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें इस गीत का वीडियो रिलीज किया गया। सोशल मीडिया पर इसका टीजर और पोस्टर पहले से ही छाया हुआ है और इसी दौरान एक बार फिर रवि किशन सुर्खियों में आ गए, लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया ऐसा लगता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।